नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेनॉल्ट क्विड और अल्टो K10 की विस्तृत तुलना। तो दोनों गाड़ियों में कौन सी ज़्यादा आरामदायक है, किस गाड़ी का पिकअप बेहतर है, किसका माइलेज अच्छा है, कौन सी ज़्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद है और कौन सी गाड़ी कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स देती है, इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेयरोज का क्विड वर्सेस अल्टो K10 कंपैरिजन वीडियो। तो दोस्तों, इन गाड़ियों में सबसे बड़ा फर्क है दोनों गाड़ियों की अंदरूनी जगह और इंटीरियर्स में। क्विड अल्टो K10 से काफ़ी लंबी चौड़ी और थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, उसमें अल्टो से काफ़ी बेहतर अंदरूनी जगह उपलब्ध है। खासकर पिछली सीट की नी रूम और हेडरूम के मामले में क्विड अल्टो से बहुत ही बढ़िया है। क्विड की पिछली सीट अल्टो K10 से थोड़ी सी चौड़ी है, जरूरत पड़ने पर क्विड की पिछली सीट पर 3 यात्री बैठ सकते हैं। इसके विपरीत अल्टो K10 में 2 से ज़्यादा यात्री बिठाना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, बूट स्पेस के मामले में तो क्विड अल्टो K10 से बहुत श्रेष्ठ है। क्विड का 300 लीटर का बूट स्पेस अल्टो K10 के 170 लीटर बूट स्पेस से लगभग दुगना है। दूसरा महत्वपूर्ण फर्क है दोनों गाड़ियों के उत्पादकों के टिकाऊपन और सर्विस में। मारुति और रेनॉल्ट की गाड़ियों के टिकाऊपन में जमीन आसमान का फर्क है। टिकाऊपन के मामले में क्विड के ग्राहकों को अनुभव अल्टो K10 की तुलना में काफ़ी खराब रहा है। क्विड ग्राहकों को शुरुआत से छोटे मोटे बिगाड़ों का सामना करना पड़ा है। इसके विपरीत अल्टो K10 के ग्राहकों को उनकी गाड़ियों में सालों साल बिना ज़्यादा बिगाड़ के चलाते रहने का अनुभव दिया है। सर्विस के मामले में भी दोनों उत्पादकों में बहुत ज़्यादा फर्क है। मारुति के सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था रेनॉल्ट से काफ़ी बेहतर है। मारुति के 3000 से अधिक सर्विस सेंटर देश के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। इसके विपरीत रेनॉल्ट के देश भर में सिर्फ 200 सर्विस सेंटर मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों का असर सेकंड हैंड मार्केट पर साफ साफ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों के बीच में तीसरा बड़ा फर्क है इनकी कीमत और फीचर्स में। अल्टो K10 के टॉप एंड मैनुअल गियर्ड मॉडल VXIO की कीमत है 4,20,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। क्विड के 800cc वाले टॉप एंड मैनुअल गियर्ड मॉडल RXTO की कीमत है उतनी ही, यानी कि 4,20,000 रुपये। क्विड के 1000cc इंजन वाले RXTO मैनुअल मॉडल की कीमत है 4,45,000 रुपये, यानी कि टॉप एंड अल्टो से सिर्फ 25,000 रुपये ज़्यादा। क्विड RXTO में टॉप एंड अल्टो K10 के सारे फीचर्स मौजूद हैं, जो हैं ड्राइवर एयरबैग, AC, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज, रिमोट वाला सेंट्रल लॉकिंग, फॉग लैंप और म्यूजिक सिस्टम विद FM, USB और ऑक्स। इतना ही नहीं, क्विड में दो ऐसे फीचर्स भी हैं जो अल्टो K10 के टॉप एंड मॉडल में भी मौजूद नहीं हैं, जो हैं उसकी ब्लूटूथ और टच स्क्रीन वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम। दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक गियर वाले मॉडल्स उपलब्ध हैं, लेकिन क्विड के ऑटोमेटिक मॉडल्स मैनुअल मॉडल से सिर्फ 30,000 रुपये महंगे हैं। अल्टो K10 के ऑटोमेटिक मॉडल मैनुअल गियर वाले मॉडल से 50,000 रुपये महंगे हैं। चौथा फर्क है दोनों गाड़ियों के इंजन और गियर बॉक्स में। दोनों गाड़ियों में 1000cc के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मौजूद हैं। दोनों गाड़ियों में 68 हॉर्स पावर और लगभग 90 Nm टॉर्क उपलब्ध है। क्विड का वजन अल्टो K10 से 50 किलो हल्का जरूर है, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियों के पिकअप में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। लेकिन स्मूथनेस के मामले में सुजुकी का K10 इंजन क्विड से काफ़ी बेहतर है। क्विड के 800cc वाला मॉडल में 54 हॉर्स पावर और 72 Nm टॉर्क उपलब्ध है। उसका पिकअप अल्टो K10 से काफ़ी कमजोर है और स्मूथनेस भी अल्टो K10 जितना अच्छा नहीं है। दोनों गाड़ियों में आधुनिक AMT ट्रांसमिशन वाले पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल का पर्याय भी उपलब्ध है। रेनॉल्ट ने क्विड का AMT गियरबॉक्स बहुत ही लाजवाब ट्यून किया हुआ है। वह अल्टो K10 AMT से ज़्यादा तेज़ी से गियर बदलता है और साथ ही साथ वह स्मूथ भी ज़्यादा है। पांचवा फर्क है दोनों गाड़ियों के पकड़ और संतुलन का फर्क। क्विड का ग्राउंड क्लियरेंस अल्टो K10 से 20 mm ऊंचा है। क्विड के टायर्स का एस्पेक्ट रेशो, यानी कि उनकी ऊंचाई भी अल्टो K10 से ज़्यादा है। क्विड का व्हील बेस, यानी कि आगे और पीछे के पहियों के बीच का डिफरेंस, वह अल्टो K10 से लंबा है और उसका सस्पेंशन अल्टो K10 से नरम है। इस वजह से वह हमारे देश की टूटी फूटी सड़कों पर चलाने के लिए ज़्यादा उचित गाड़ी है। वह गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को अल्टो से बेहतर सूख लेती है, मगर मोड़ों पर अल्टो K10 की पकड़ क्विड से थोड़ी सी बेहतर है। अल्टो K10 की ऊंचाई क्विड से बहुत कम है, उस वजह से उसका CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्विड से काफ़ी नीचे है। इसलिए अल्टो K10 में बॉडी रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति बहुत कम है, वह क्विड से कम है। इस वजह से वह मोड़ों पर क्विड से थोड़ी सी बेहतर पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है। अल्टो K10 का स्टीयरिंग भी क्विड से ज़्यादा कड़ा है। चौथा और सबसे छोटा फर्क है दोनों गाड़ियों के माइलेज में।
अल्टो K10 का ARAI माइलेज है 24.1 किलोमीटर प्रति लीटर। क्विड के 800 सीसी वाले मॉडल का ARAI माइलेज है 25.2 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी कि अल्टो K10 से 1 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा। क्विड के 1000 सीसी इंजन वाले मॉडल का ARAI माइलेज है 23 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी कि अल्टो K10 से 1 किलोमीटर प्रति लीटर कम। लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान अल्टो K10 का माइलेज क्विड के 800 सीसी मॉडल से आधा किलोमीटर बेहतर पाया गया और क्विड के 1000 सीसी मॉडल से 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर पाया गया। दोस्तों अब समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। तो दोस्तों ये दोनों गाड़ियां बिल्कुल अलग हैं, आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी यह आपके इस्तेमाल पर निर्भर करती है। अगर आपका रनिंग सालाना 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो अल्टो K10 CNG आपके लिए साफ साफ बेहतर विकल्प है। ऊपर से अगर देश भर में ऑड इवन जैसे नियम लागू हो जाते हैं तो आपकी गाड़ी CNG होने की वजह से आपको छूट मिल सकती है। लेकिन अगर आपका रनिंग कम है तो क्विड अल्टो K10 से काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त गाड़ी है। क्विड की अंदरूनी जगह, उसकी बूट स्पेस, उसका ग्राउंड क्लियरेंस, उसके फीचर सभी अल्टो K10 से काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन क्विड का सबसे बड़ा फायदा है उसका ऑटोमेटिक मॉडल, बहुत ही सस्ता है। क्विड के RXL AMT मॉडल की कीमत है मात्र 4,25,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। वह आपको हर रोज की क्लच गियर रगड़ने के झंझट से बचा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको अल्टो K10 या क्विड की अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और आपकी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। धन्यवाद।